गुलाम नबी आज़ाद को सबसे बड़ा झटका लगा है, ऐसा लग रहा है जैसे बस आंसू बाहर नहीं आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को हो रहा है, ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। समीक्षा हमारी सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद है। समीक्षा, क्या कुछ अब फिलहाल अपडेट आपके पास, सुनवाई अभी भी जारी है? क्योंकि ये भी बोलते हैं और हम इस फैसले का वेलकम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इससे पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज आता है, हिंदुस्तान एक है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अभी तक क्या हो रहा था कि कश्मीर के पास अलग राइट थे जो 370 का बहुत किसान पीटे, बहुत ही बड़े सीनियर जजेज हैं, वो जो सारे सीजीआई बनने वाले हैं फ्यूचर के, तो बहुत ही पढ़े लिखे सीनियर जजेज ने बहुत ही अच्छी तरह से इस फैसले को लिखा है, तो हमारे देश के लिए भी फायदेमंद। जनता इस फैसले को किस तरह देखेगी, क्या अब कुछ इसमें बदलाव देखा जाएगा? जनता इस फैसले का वेलकम कर रही है, क्योंकि कश्मीर में अब हर इंसान को जो फैसला जो गवर्नमेंट ने लिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। अब हर इंसान वहां पर कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी भी ले सकता है, इससे कश्मीर में डेवलपमेंट आएगा। ये एक ऐसा स्वर्ग था इंडिया का जो आम आदमी की अदर इंडियन लोगों से दूर था, अब उनके लिए एक्सेसिबल हो गया है। इस तरह ये जो फैसला है पूरी तरह से जनता के हक में नहीं आ रहा है, जिन चीजों से कश्मीर वासी जम्मू कश्मीर काफी वंचित थे, जो देश भर में लागू होता था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, वो उन चीजों से छूट। लेकिन उसके बाद भी कई तस्वीरें शेयर की गई। अब आप जानते हैं तो मैं तो अपने हाउस में बैठा हूँ, मुझे उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्षमा करें स्टडीड द कॉम्प्लेक्स इशूज इन्वॉल्व, बिकॉज इट वॉज नॉट अ सिंपल इशू, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इशू विद मेनी इम्प्लीकेशन, ऑल ऑफ विच देव डेल्ट विद, एंड आई वेलकम द वर्डिक्ट। They've also said two important things. Firstly, they've said that the statehood should be restored as quickly as possible. I entirely agree with that. As you know, I have been demanding that ever since this happened 4 years ago, that our statehood should not have been reduced. We should not have been reduced to a union territory. Jammu Kashmir had a special position. It was a crown of India. The crown se chhodke, we were even below Haryana. बिल्कुल, तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। हमने गुलाम नबी आज़ाद को भी सुना, उनकी प्रतिक्रिया किस तरह की थी, वो अपने आप में बता रही थी कि सबसे ज़्यादा दुख जो हो रहा है वो गुलाम नबी आज़ाद को हो रहा है। समीक्षा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। समीक्षा, आप जरा ये समझने की कोशिश करिए, जो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं और वहाँ की आवाम के हित में बता रहे हैं, फिर ये गुलाम नबी आज़ाद अहित में क्यों बता रहे हैं इस फैसले को? समीक्षा आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं आप जी, आज ये जो ऐतिहासिक फैसला जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया था, आज उस फैसले पर दोबारा से सुनवाई हुई है और कोर्ट का फैसला सरकार के हक में ही आया है। इस फैसले को बोला जा रहा है गुलाम नबी आजाद से जोड़ करके इस फैसले को देखा जा रहा है। गुलाम नबी आजाद से समीक्षा जोड़ के नहीं देखा जा रहा, गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं कि ये फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का ये वहाँ की जनता के हित में नहीं है। ये कहूंगा बहुत वेलकम फैसला है, गुलाम नबी आजाद की उनकी वो अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन सारी देश की पब्लिक फैसले को देखकर बहुत खुशी मना रही है कि वो भी कश्मीर भी जो हमारे देश का हिस्सा है वो आज हम पूरी तरह से मिल गया है। प्रतिक्रियाएं भले ही अलग हो सकती हैं,
जी किसी के ओपिनियन भले अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा फैसला है उससे लोगों में खुशी की लहर है और लोग अब जम्मू कश्मीर को भी भारत से भारत का अभिन्न अंग मानकर ही चल रहे हैं कि अब जो भी कश्मीर को जो भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो भी चीजें पूरे देश में लागू होती थी उनसे कश्मीर बन चुका है। जरा ये समझने की कोशिश करिए, जो अधिवक्ता आपके साथ मौजूद हैं, किस तरह की बहस हुई, क्या कुछ दलीलें रखी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने फिर जब ये फैसला दिया तो इसे वहां के आवाम के हित में बताया और केंद्र सरकार के फैसलों पर मोहर लगा दी। आज कोर्ट में देखना चाहिए किस तरह और की बात ये फैसला दलीलें काफी, इसमें टोटल 23 पिटीशन थी जो 11 सरकार के साथ थी, 12 सरकार के फैसले के अगेंस्ट जी। तो इसमें दलीलें यही थी कि धारा 370 है, इसको क्या नाम है बरकरार रखा जाए, लेकिन सीजीआई ने क्लियर कट कह दिया कि ये क्या नाम है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका कंसल्टेशन और रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। जो प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन लिया है वो सही है और इसमें कोई प्रेसिडेंट ने कोई मैलाफाइड नहीं है। तो इसमें आज क्लियर कट हो गया क्योंकि काफी टाइम से 370 के ऊपर चला आ रहा था और इसमें आज क्लियर कट कह दिया ये टेम्परेरी प्रोविजन था और इसको आज अबोलिश कर दिया गवर्नमेंट ने और इसके ऊपर मोहर लगा दिए कोर्ट ने। 30 सितंबर 2024 देखो इसमें ये जब पिटीशन डली थी इसमें कोई क्लियर कट ये नहीं था सरकार की तरफ से भी, उसमें इलेक्शन कब करवाएंगे क्या करवाएंगे, क्योंकि काफी टाइम से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चला आ रहा था, सिचुएशन वहाँ पे काफी खराब थी। इसको देखते हुए आज इवन सीजीआई ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, तो इसलिए सीजीआई ने क्लियर कट कह दिया कि 30 सितंबर 2024 तक आप उसमें इलेक्शन कराए। तो इसमें आप क्लियर कट हो गया मोदी सरकार को, इससे पहले पहले इलेक्शन करवाने पड़ेंगे नहीं तो फिर इसके खिलाफ हो गए। बिल्कुल समीक्षा, जम्मू से हमारे सहयोगी मुकर्रम और रविंद्र भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकर्रम आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं रविंद्र आपसे समझना चाहता हूं, वहां की आवाम खुश है, वहां के लोग खुश हैं, इस फैसले का सब स्वागत कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि अहित कर देगा ये फैसला जो आया, संख्या है उसमें जो इजाफा हुआ, जो लाखों लाख पर्यटक वहां पहुंचे, लोगों को रोजगार मिला वहां के लोगों को, जो उम्मीद में होते थे कि कभी पर्यटक इधर घूमने भी आएंगे, लेकिन लोग डरते थे जाने से, जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी न जाने कब कौन क्या उनके साथ क्या स्थिति कर दे, इसलिए आज जो डर जहन से जो डर निकल गया है और जो आज पूरा संवैधानिक तौर पर एक हक मिला है राज्य को, वो जाहिर तौर पर बताता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जायज ठहराया है। समीक्षा, दुकानें बंद हो गई हैं इसलिए तकलीफ हो रही है, कह रहे हैं कि नहीं बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं फैसला आना चाहिए था, रो रहे हैं समीक्षा, सिर्फ जजमेंट सुनने के लिए कश्मीर है। सर आपका नाम क्या है? शाहिद सलीम। तो आप जजमेंट के लिए यहाँ पर आए थे, उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, जजमेंट सुनने के लिए बहुत से कश्मीर के एक्टिविस्ट आए, पेटिशनर हैं, बहुत लोग हैं, क्योंकि कश्मीर के जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोग जो है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, बल्कि और भी जो कश्मीरी डायस्पोरा है जो अब्रॉड है कश्मीर, क्योंकि ये एक ट्रस्ट की बात है, ये एक विश्वास की बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई थी जम्मू कश्मीर को, तो वो इस तरीके से एक कलम की ताकत से उसको, और ऐसे हालात में कि जब वहां को गवर्नमेंट नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर नहीं है, कोई लोगों की अपनी असेंबली नहीं है, तो यहां से आप एक गवर्नर साहब को वो जैसे जैसे सत्यपाल मलिक आपको कैसा महसूस हो रहा है फैसला आने के लिए? हमें तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, मायूसी हुई है ये फैसला सुनते हुए, क्योंकि जो दलाइल हुई थी, जो बहस जिरा हुई थी, उससे हमें लगता था, क्योंकि डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरीके से हमारी उस वक्त की लीडरशिप की तारीफ की थी, उनके विजन की तारीफ की थी भाई, जिस तरीके से ये फेडरल स्ट्रक्चर बनाते हुए जो 370 उसमें, तो हमें उम्मीद थी कि जो अच्छा फैसला आएगा हमारे हक में फैसला आएगा। 370 जब हटाया गया उसके बाद बिल्कुल समीक्षा, ये वही लोग हैं और ये उन्हीं सियासतदानों के इशारों पर नाचने कूदने वाले लोग हैं जो इनको वहां पर कुछ ना कुछ खाद पानी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए समीक्षा मुकर्रम, आपका भी बहुत धन्यवाद।